हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हर घर की समस्या यही होती है कि सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा क्या बनाएं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, फिलिंग हो और घर में बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ऐसी एक क्विक एंड इजी नाश्ता रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे चावल के पैनकेक भी बोल सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर चावलों को पहले से भिगो के रख दिया था, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं। घर में जो भी चावल खाते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अच्छी तरह से वॉश कर इसे एक दो घंटे पहले भिगो के रख दीजिए, या फिर आप इसे ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हैं। तो चावल जो है वो बढ़िया भीग चुके हैं और इसमें का पानी पूरा मैंने ड्रेन कर लिया है। इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर अब हम ग्राइंड करेंगे। लेकिन ग्राइंड करने से पहले मैं थोड़ा सा दही भी मिला रही हूँ इसमें। तो 2-3 टेबल स्पून भरकर हल्का सा खट्टा दही ले लीजिए और एकदम बारीक पीसना है हमें इसे। एकदम स्मूथ पेस्ट बनाया मैंने। तो चावल का मिक्स रेडी है, अब हम इसमें कुछ सब्जियां चॉप करके डालेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें अदरक मिलाएंगे। मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर अदरक को मिलाया है, आप चाहें तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं। एक कच्चे आलू को भी कद्दूकस कर मिला रही हूँ, तो आलू को ग्रेट कर लीजिए और फिर ऐड कीजिए। आलू के साथ मैं यहाँ पर गाजर को भी ग्रेट कर डाल रही हूँ। थोड़ी सी शिमला मिर्च भी मिला लेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर प्याज और टमाटर भी डालेंगे। फ्रेंड्स, सारी सब्जियों को मैंने एकदम फाइन चॉप किया है, तो आपको भी एकदम बारीक काटना है इन्हें। फ्रेश धनिया पत्ती डालेंगे और ड्राई मसालों में 1 चम्मच भरकर साबुत जीरा डाला है मैंने, 1 स्पून भरकर चिली फ्लेक्स डाले हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला लिया है। बस अब 1 स्पून लेकर हम सारी चीजों को बढ़िया मिक्स कर लेंगे। अब इस बैटर को देख लीजिए दोस्तों, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है, बहुत ज्यादा पानी नहीं है इसमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके पैनकेक्स। हमें इन्हें नॉनस्टिक बर्तन में ही बनाना है, तो मैं यहाँ पर नॉनस्टिक कढ़ाई ले रही हूँ। थोड़ा सा तेल डालकर इसे गर्म कर लेंगे। और अब तेल बढ़िया गर्म हो चुका है, तो 1 स्पून से इस तरह से फैलाते हुए मैं मिक्स को रख रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें बढ़िया सिकने देंगे। एक साइड से कवर नहीं करेंगे, ओपन ही पका रही हूँ मैं इसे। और बस इस तरह से हम फैलाते हुए पैनकेक का शेप दे देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकने देंगे। तो थोड़ी देर इसे पकाने के बाद अब मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से बढ़िया सिक चुका है ये, तो पलट कर अब मैं इसे दूसरी तरफ से भी सेक ले रही हूँ। और अब ये जो पैनकेक है बढ़िया सिक चुके हैं, दोनों तरफ से गोल्डन हो चुके हैं, तो इन्हें अब हम कढ़ाई में से निकाल लेंगे और एक टिश्यू नैपकिन पे रख लेंगे। और दोस्तों, इन पैनकेक्स ने बहुत ज्यादा तेल भी अब्सॉर्ब नहीं किया है। ये देखिए कढ़ाई में कितना तेल बचा है। तो बस इस बचे हुए तेल में मैं और भी पैनकेक सेक रही हूँ। तो बस सेम तरीके से बैटर को चम्मच से फैलाते हुए रखेंगे हम और लो मीडियम फ्लेम पर इसे बढ़िया सेक लेंगे। और ये तैयार हो गए हमारे चावल के टेस्टी टेस्टी पैनकेक्स। गर्मा गर्म सर्व कीजिए इसे अचार के साथ, चटनी के साथ, या फिर सिंपल आप इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की ये ब्रेकफास्ट रेसिपी, मुझे कमेंट करके बताइए। जल्दी हम एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।